पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले, सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। पिछले 14 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक गुजारा भत्ता ना देने से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे 19 नवंबर तक के लिए टाल दिया था। यानी कि अगली सुनवाई आज यानी 19 नवंबर को होनी थी। तो हम आपको बता दें कि आज की सुनवाई फिलहाल हो गई है। बताया जा रहा है कि कुल 30 मिनट तक कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई चली है। और अब आज की सुनवाई को लेकर अपडेट क्या है ये आपको बताते हैं। आज शिक्षा मित्रों को आस लगी हुई थी कि आज अवमानना याचिका पर सरकार से कोर्ट जवाब तलब कर सकती है। तो आपको बता दें कि न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की अदालत ने इस अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही है। 2023 में समान कार्य समान वेतन के लिए याचिका दाखिल की गई थी और याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने सरकार को समिति बनाकर शिक्षा मित्रों की समस्याओं को हल करने को कहा था और वित्तीय इंडेक्स के अनुसार एक सम्मानजनक मानदेय देने के लिए भी कहा था। लेकिन जब सरकार द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो शिक्षा मित्रों की तरफ से अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। आज कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में बात करें तो कोर्ट द्वारा जितेंद्र भारती केस में अनुपालन के लिए सरकार को थोड़ा और समय दिया गया है। यानी सरकार ने अतिरिक्त समय की मांग की है जिसे कोर्ट द्वारा फिलहाल दे दिया गया है। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख भी जारी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि अगली सुनवाई अगले महीने 18 दिसंबर को होगी। तो कुल मिलाकर अपडेट है कि 14 नवंबर को 19 नवंबर की तारीख दी गई और अब 19 नवंबर यानी आज की सुनवाई में 18 दिसंबर की तारीख कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई के लिए दी गई है। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एनएस नाउ पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आपकी राय हो तो ज़रूर बताएँ। नमस्कार।